वहीं दूसरी ओर बीबीसी पर आईटी का सर्वे खत्म होने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और बढ़ सकती हैं। दरअसल आयकर विभाग ने सर्वे के बाद बीबीसी के टैक्स दस्तावेजों में खामी पाई है। 60 घंटे के मैराथन सर्वे के बाद अब शायद बीबीसी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल बीबीसी दफ्तर से मिले डेटा को खंगालने के बाद आयकर विभाग ने गड़बड़ी होने का दावा किया है। आईटी सर्वे में मिले दस्तावेजों में आयकर विभाग ने पाया है कि कुछ मामलों में टैक्स का भुगतान सही नहीं किया गया है जो विदेशी संस्थाओं से मिले थे। साथ ही अलग अलग समूह और संस्थाओं ने जो आय या लाभ दिखाए हैं वो भारत में संचालन के पैमाने के मुताबिक नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर भी कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता चला है जिसकी जांच आगे की जाएगी। विभाग का कहना है कि मांगे गए दस्तावेजों को देने में देरी वाले दांवपेच अपनाए गए। बीबीसी पर हुए आईटी सर्वे को लेकर पहले ही राजनीतिक बयानबाजी हो चुकी है। ऐसे में अब इन गड़बड़ियों के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा।